है ना, तो अच्छा लगा। दूसरा आप वहाँ लिख रहे हैं कि ग्रुप में सब निष्क्रिय लोग हैं, तो वहाँ पे थोड़ा मुझे ऐसा लगा भी, मैंने कहा सर ने ऐसा कैसे लिखा, सभी निष्क्रिय। देखो ऐसा है कि जब आपके साथ इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ जी, उस समय हम सब लोग डिप्लोमेटिकली करप्ट होंगे तो इस देश का इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम अपने डिप्लोमेटिकली करेक्ट होते रहेंगे, हम ये सोचते रहेंगे कि हमारा वीडियो सुनकर किसको अच्छा लग रहा है, किसको बुरा लग रहा है, और लोग बाग आपके साथ धोखा देते रहे। बिल्कुल सही, मतलब ये परिस्थिति जिनको हम पूजनीय चाचा जी कहते हैं वो साले दुष्ट आदमी थे। बिल्कुल सही सर, वो चाचा ये बताओ आर्टिकल 35 है, बिना संवैधानिक प्रक्रिया के संविधान का हिस्सा कैसे बन गया है? कितना दुष्ट आदमी होगा वो कैसा देश का प्रधानमंत्री है जिसने 1911 में अंग्रेजों की स्तुति के लिए जो गान बनाया हो उसे दुष्टता के साथ अपने देश का राष्ट्रगान बना दिया हो, कितना दुष्ट आदमी होगा वो। सर अभी उसमें भी बदलाव होना जरूरी है, राष्ट्रीय गान में भी बदलाव होना जरूरी है। मैंने तो वीडियो जारी किया उसमें, जिसमें जो है सुभाष चंद्र बोस का जो गान था वो भी जंगल बंधन है, लेकिन उसके बोल अलग है। आप हमारा क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल आपने मालूम नहीं सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? जी किया है या नहीं किया? निश्चित निश्चित सर, मैं बेसिकली थोड़े आपका निवास का है सर, भोपाल में रहते हैं या बाहर रहते हैं? मैं दानिश कुंज दानेश्वर आया था। अच्छा, यहाँ कोलार में? सर कोलार से ही, मेरा निवास भी कोलार में है, मैं चिनार में रहता हूँ, मंदाकिनी में भी मेरा घर है जी। और लॉकडाउन से मैं चिनार में भी, मेरे पास मकान छोटा पड़ा था तो उसमें मैं शिफ्ट हो गया हूँ। अच्छा जी, हाँ वहाँ थोड़ा कंजेस्टेड है, हमारे मंदाकिनी कंजेस्टेड थी। हाँ, तो हम एकांतवास बिल्कुल चिनार आपके इधर से भी आगे आ पाएंगे मदर टेरेसा के पास ना, तो उसके अंदर मैं रहता हूँ। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और जिस ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ, इस ग्रुप में अधिकांश लोग पहले श्री आरिफ बेग जी के मंच पे मैं जाता था, इंद्रेश जी से मैं कई हद तक जुड़ा रहा मुस्लिम मंच से, और आपके यहाँ कोलार में अभी यहाँ संपर्क प्रमुख का दायित्व मेरे पास है संघ से। किसके संपर्क प्रमुख है यहाँ? संघ से आरएसएस से। आरएसएस को क्या दिख रहा है? आरएसएस की आंखें बंद हैं क्या? नहीं, आंखें बंद नहीं है, काम तो कर रहे हैं ना। आर्टिकल 370 के बाद जो है डोमिसाइल पॉलिसी क्यों लाई गई है जो कि आर्टिकल 370 जैसी ही है? आप किस बात के प्रचारक है जिसकी आरएसएस को यही नहीं मालूम है कि वो डोमिसाइल पॉलिसी ऐसी लेके आ रहा है जो आर्टिकल 370 जैसी ही है? सर आप जैसे लोगों का ही सानिध्य हमें चाहिए रहता है। नहीं, आप हमें तो यहाँ संपर्क करने है भाई, हमें नेहरू की दुष्टता तो सामने आती है जी, नरेंद्र मोदी की क्या दुष्टता है, उसकी दुष्टता के पीछे क्या 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 छपा हुआ है? ऐसी डोमिसाइल पॉलिसी क्यों लाए हैं आप जिसमें 15 साल रहने के लिए 7 साल की एजुकेशन है तब आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा, और ए से लेकर डी सभी की जो है ना सर्विसेज उन्हीं लोगों को मिलेंगी। तो 15 साल से जो है ना वहाँ पे अंग्रेज जो है कश्मीरी पंडित रहे नहीं, तो उनको तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं। आपके विचारों से सहमत हूँ और इसीलिए काम नहीं चल रहा है, विद्रोह करना पड़ेगा आपको, अपने विचारक से कहना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हम आपके पास सब जो है नहीं, सभी जो है ना सबको सत्ता चाहिए, सभी को जो है ना सरकार सबको खुश करना है, सबको पद चाहिए, सबको मंत्री बनना है, इस देश का अच्छा नागरिक किसी को बनना है कि नहीं बनना? निश्चित बात है, ये बात सत्य है आपकी, आपकी बातों में आप मतलब हम सब लोग अपने जिसको जो जनवा मिल गया वो जिंदगी से वो खुश है, कोई प्रचारक से खुश है, तो कोई जो ना फलाना बन गया है, कोई ये बन गया है, वो बन गया है। हमने तो इस देश में उसी जो ना तंत्र को लाया है, आज हमें वही तंत्र बहुत अच्छा लगता है। हमारा पुलिस अभी भी 1800 से चल रहा है, वाह कैसे विद्वान लोग, विद्वान नागरिक, विद्वान हिस्टोरियन, हम अपने आप को विद्वान कहते नहीं सकते, हम अपने आप को इंजीनियर कहते हैं, हम आपको बड़ा गुणगान करते हैं अपना, हम गधे हैं, हम नालायक हैं, हम दुष्ट हैं, हमारा चरित्र छोटा है, हमें अच्छा कहने का अपने आपको कोई हक नहीं है जब तक हम इन प्रस्तुतियों को जमीन पर ना बदले। और ये नेता बिल्कुल नहीं, ये नेता जिनको आप नेता कह रहे हैं, ये नेता जो है ना रोज जो है ना दुकान लगा के और सवा लगा के किसी को भी अपने जो है ना पार्टी में बुला रहे हैं, उनका चरित्र है क्या कोई? तो सत्ता बनाना ही आपका चरित्र है क्या? मैं देश का सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि साहब आप जो है
कानून लाइए जिससे देश के निर्माता जो ना अपराधी ना हो, ये सबको जो ना अपराधी बहुत अच्छे लग रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, सभी को, क्योंकि वो आसानी से जीत जाते हैं। तो हम तो दुष्ट हैं, अच्छे कहां हुए हम, पार्टी कोई भी हो हम सब दुष्ट हैं, हमें इस दुष्टता को त्याग करना होगा यदि हमें इस देश को पुनः महान बनाना है। वी शुड नॉट बी डिप्लोमेटिकली करेक्ट। आपके विचारों का सम्मान करते हैं हम, आपको प्रणाम करते हैं, विचारों सही सहमत होकर मैंने आपको फोन लगाया। मेरी बात ध्यान से सुनो, भगत सिंह खुद बनना पड़ेगा हमें, पड़ोसी के घर में भगत सिंह चाहिए, हमें अपने अपना खुद भगत सिंह बनना है ना अपने बच्चों को भगत सिंह बनना है, हमें सबको नौकरी करना है, हमें सबको अच्छा अच्छा वो करना है जी, सब ये बदलाव अंदर से लाना पड़ेगा और ये बदलाव 2021 से लाना पड़ेगा, 2024 के पहले इन लोगों को मजबूर करना पड़ेगा कि साहब ये परिवर्तन लाइए, आपके पास बहुमत है, आप ये डिप्लोमेटिकली करेक्ट होने वाली बातें मत करिए। सर बिल्कुल, आप हमारे नियरेस्ट रहते हैं, आप आदरणीय हैं और आप देखिए आदरणीय जो है मिलेगा करके बने, आदरणीय जो है ना पुराने परिणामों से उनसे ना बने आदरणीय, आदरणीय हम अपने चरित्र से बने, आदरणीय हम अपनी कार्रवाई से बने तो हम ज्यादा भला करेंगे। नहीं तो हम आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं ना, आप बिल्कुल जोर से हमारे साथ जुड़िए, हम आपका स्वागत करते हैं, और आपसे जुड़ना चाहते हैं आप मेरे से। मैंने आपको एक भाई, आपका परिचय तो इतना बड़ा है कि आपके परिचय के लिए मुझे आपके परिचय पूछने की आवश्यकता नहीं है जी। आप कर्मशील रहे हैं, आपने इतने बड़े कार्य और उसमें आपने जो है जहां उसमें कश्मीर की बात की, उस ऑडियो को सुनने के बाद ही मैंने आपको फोन लगाया है जी, ठीक है जी, जी। मेरा मेरे और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से ही कहीं ना कहीं जो है मेरा जीन्स वहीं से है, मेरे पिताजी मिनिस्टर उगरा नहीं रहे, मेरे पिताजी भी आईपीएस रहे दिल्ली पुलिस में, मेरे पिताजी दिल्ली पुलिस से आईपीएस रहे, मैं रामदत्त शर्मा आरडी शर्मा जी का लड़का हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, मेरा पूर्व निवास अरेरा रहा है, आपने जितना बोला है मैं उससे सहमत हूँ, मैं भी इसलिए आपसे सम्मान, आपने कहा आदरणीय सम्मान, तो मैं आपका सम्मान निश्चित करूंगा और आपसे आपको सुनने के लिए, आपको सुनने के लिए आपके निवास पे आना चाहता हूँ। आप आइए आइए, दानिश चौराहे पे आप पहुंचेंगे, किसी से भी पूछेंगे डीजी साहब का घर कौन सा है तो कोई भी बता देंगे, है ना सर। मैं आपको सुनना चाहता हूँ और आपसे ही मार्गदर्शन हमें मिलेगा। ये तो क्या है कि एक सामाजिक संस्था जब काम करती है, आज बात जब अगर उसकी आती है, मैं तो किसी उसमें, मैंने तो आपको पहले एक शब्द कहा कि श्री आरी बेग जी ने एक मंच बनाया था राष्ट्र शक्ति फाउंडेशन, अच्छा मैं उसके फाउंडर मेंबरों में भी उनके साथ रहा, ठीक है। तो व्यक्ति विशेष क्या कार्य कर रहा है, हम उसके कार्य शैली से सहमत हैं तो हम उसके साथ निश्चित काम करेंगे। वो राजनीतिक है क्या है, ये राजनीतिक मंच पर तो मैं हूं भी नहीं, मैं राजनीतिक मंच पे काम नहीं करता। मेरा तो ये कहना है कि ये हमारा देश है, इस देश को दुष्टता से, गुलामी के तंत्र से जो है ना इसको रिटेन किया गया है। बल्कि मेरा तो ये कहना है कि जब अंग्रेज थे तो कम से कम लगभग 800 प्रिंसली स्टेट थे, राइट, वहां अंग्रेजों का शासन नहीं चलता, हमने तो सभी राज्यों को मिला के वहां पर भी अंग्रेजों का शासन चला दिया ना, वही एक्सप्लॉयटेटिव शासन, वही जो है ना तिरस्कार करने वाला शासन, वही जो है जो आपको बेइज्जत करता है। यदि आप जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मदद करने के लिए एज ए विटनेस भी आए हैं तो भी कहता है फलाने फलाने हाजिर हो जी, आपको जो है ना 10 बार बुलाया जाएगा और वो आपकी गवाही होगी नहीं, और एक बार आप नहीं आ पाएंगे तो आपको वारंट जारी कर दिया जाएगा, उसमें भी लिख दिया जाएगा कि इनको हथकड़ी लगा के पेश किया जाए। बिल्कुल सर, इसमें रह रहे हैं, ये आपका देश है, आपको ये मुगलता है कि ये आपका देश है, ये इन काले अंग्रेजों का देश है जो सफेद कपड़े पहने। मैं भी जो है जिस समय पे पढ़ाई कर रहा था, मैंने नैनीताल से पढ़ाई किया, उत्तराखंड से पढ़ाई की है जी, मेरी सिविल इंजीनियरिंग उत्तराखंड से है, और इंजीनियरिंग करने की तत्काल में उस समय पे 1994 में एक विद्यार्थी, आप जुड़िए, मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जिम्मेवारियां दूंगा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है कि इस देश की तस्वीर और तकदीर मैथिली शरण गुप्त बदलेंगे। छात्र आंदोलन से मैं उस समय पे जुड़ गया था, तो छात्र आंदोलन बहुत सारी, हम राजनीतिक थे भी नहीं और हम किसी संघ वंग के विषय में तब जानते भी नहीं थे जी, और चूंकि फादर उगरा भी जब सर्विस कर रहे थे तो उस समय पे कांग्रेस काली हुआ करता था, पिताजी लगभग जो है राष्ट्रपति भवन में ज्यादा रहे,
उनका कार्यकाल सबसे ज्यादा राष्ट्रपति भवन में रहा। लास्ट में कुछ समय उनको जो है नार्कोटिक्स मिला और उसके बाद वो रिटायर्ड हो गए। मेरे फादर भी जो है लगभग ये मान के चले कि 98 में रिटायर हो चुके थे जी, है ना, तब मैं बच्चा ही था। 94 में मैं सेकेंड ईयर का छात्र था। उस समय पे उस आंदोलन में सभी लोग गए तो हम भी उस आंदोलन में सम्मिलित हो गए। मुजफ्फरनगर में जब हम लोग मुजफ्फरनगर क्रॉस कर रहे थे तो गाड़ियां हमारे कुछ बसेस जो है वो खाना खाने के लिए और लघु शंका के लिए गाड़ियां रुकी और वहां इमीडिएट रात में उनपे वार होता है। ये आपको बिल्कुल तत्काल, आपको उस समय पे मेरे ख्याल से तत्कालीन आपको ध्यान में होगा क्योंकि आप काफी सीनियर है। हम लोगों पे वार कर दिया गया। नहीं नहीं 94 बाबजी मस्जिद कांड पहले 94 की बात कर। ओके उस समय पे करबन 16 लड़कियों का बलात्कार तमाम सारा जो है रात में कागुआ करके बलात्कार हुआ और हम लोगों पे वार किया गया, बहुत हमें मारा भी। ये बलात्कार किया किसने था? ये सारे जो है वही मुजफ्फरनगर के मुस्लिमों ने, ये सब पहले से उन लोगों ने जाल बिछा के रखा था। और सत्ता किसकी थी? सत्ता उस समय पे कांग्रेस की हुआ करती थी, समाजवादी पार्टी मेरे ख्याल से उस समय उत्तर प्रदेश में थी, है ना। तो उस समय पे जब इस तरीके का कांड हुआ तो वहां से उस समय तो गुंडा राज चल रहा था, भयानक गुंडा राज था, लोग पीट रहे थे, भयानक गुंडा राज था सर। उस गुंडे राज से ये हुआ कि जिस तरह से आपको मालूम है कि उस दौरान थानेदारों को उनके थाने के अंदर घुस के यादवों ने मारा, यादव गुंडों ने। सर मेरे को इसकी जानकारी नहीं। नहीं, मैं उस समय पे एक विद्यार्थी ही था और जीवन की प्रथम किसी रैली में मैं आया था। ओके। और मेरे को भी उसमें अभियुक्त बना के जो है मुझे भी जेल कर दी गई, मेरा हाथ भी तोड़ दिया गया, सर फोड़ दिया गया, मैं बेहोशी हालत में हॉस्पिटल में। किसने फोड़ा आपको? मुस्लिमों ने मारा हम लोगों को। तो रात में तो फिर उसके बाद जगह जगहों से जो है आंदोलन के जितने भी जो है बसेस थी बाकी जगहों से भी जो सुबह होने तक में बहुत सारे लोग आए। उसके बाद मुजफ्फरनगर में बड़ा मारकाट चली और वो उत्तराखंड के इतिहास में काले दिवस। पुलिस के जो है एसपी को सस्पेंड किया गया क्या? बहुत सारा कांड हुआ सर उस समय पे, क्योंकि मैं आज सस्पेंड हुआ था क्या? एसपी सस्पेंड नहीं हुए उसमें। क्यों नहीं हुए? थाने के थाने बहुत सारी चीजें हुई। अब उस समय के तंत्र के विषय में बहुत विशेष ध्यान मुझे कमी है। नहीं, उसका दोबारा अध्ययन करिए, जिसके आप भुक्त भोगी रहे उसका अध्ययन करिए, उनकी जिम्मेवारी निर्धारित करिए। उसका कारण ये हुआ कि कारण ऐसा रहा कि उसके बाद मेरे घर वाले भी मेरे प्रति निगेटिव हो गए कि आप तुम गलत जगह लगा के लड़का पे गया काम से, समझ रहे ना आप, उनको लड़का गया हाथ से निश्चित। मेरे पिताजी ने, क्योंकि वो एक पुलिस अधिकारी थे, तो हमने कहा कि घर मत आना, है ना। अच्छा, ये बता रहा हूँ मैं, बड़े बड़े कठोर अधिकारी थे भाई। हाँ, और उससे ये हुआ कि मैं जब मेरा जो है सिविल क्लियर हुआ तो मैं भटक भी गया। मेरा सिविल क्लियर हो गया, एक रिजल्ट आया भी नहीं था उस समय पर। आपको ध्यान में हो कि 95-96 में थल सेना अध्यक्ष हुआ करते थे जोशी जी, है ना, बीसी जोशी जो है, उसने एक भर्ती रैली निकाली थी वहां। तो चूंकि उत्तराखंड से मेरी पढ़ाई थी तो उस भर्ती जनरल भर्ती में अल्मोड़ा बीएरओ सेंटर में भी गया और उस भर्ती रैली से भर्ती होकर मैंने सागर में ट्रेनिंग की है जी। मैं आर्मी में चले गया। ओ वाओ, ठीक है। मैंने जो है महार 16 महार ज्वाइन हुआ आफ्टर ट्रेनिंग। और आपको वेरिफिकेशन ठीक मिल गया? मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको, वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं आई मेरे को, क्योंकि हम लोग जो है अभियुक्त होने के बाद छिपा गए कि आपको आदेश दिया गया। हाँ, लेकिन क्लीन चीट हम लोगों को मिल गई थी क्योंकि हमारी गलतियां नहीं थी, हमने जो भी किया वो आत्मरक्षा में किया था। और हम लोगों ने तो वार पहले किया ही नहीं, हम अनभिज्ञ थे, ना ही हम लोग हथियारबंद थे, कुछ भी नहीं थे। उसमें केस रजिस्टर हुए थे क्या? सारे सब कुछ आज भी सब चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है वो शायद, है ना। अच्छा, देन उसके बाद में फिर मैंने मेडिकली यहाँ से डिस्चार्ज लिया है महार रेजिमेंट से, आर्मी से। हाँ, महार से। अच्छा, और महार रेजिमेंट में थे? बिल्कुल बिल्कुल, महार रेजिमेंट से डिस्चार्ज में ज्यादा दिन नहीं रहा, उसमें बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं रहा, 18 मंथ 18 महीना इंक्लूडिंग ट्रेनिंग्स मेरी रही। फादर का सहयोग फिर मुझे, उन्होंने तो आपसे वो लिया होगा, कंपनसेशन लिया होगा? नहीं, कंपनसेशन नहीं, मेडिकल ग्राउंड से थोड़ा बहुत पिताजी ने हेल्प भी की। देन मैं वहां से फिर बाहर आया, घर में हाथ पैर जोड़े कि भाई अब मैं अपना सिविल का ही करूंगा, क्योंकि मेरी सिविल क्लियर हो चुकी थी और मैं अच्छे मार्क्स से पास भी हुआ हूँ। उसके बाद मैंने भोपाल से एमबी किया और भोपाल में को ही मैंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया।
ग्रेट। हमारा उस समय पे अरेरा में E3 में घर हुआ करता था। आपने मेरे बारे में कभी नहीं सुना? नहीं, मैंने सुना है, मैं जानता हूँ आपको, इसीलिए मैंने आपका परिचय नहीं पूछा है। अच्छा, ओके। क्योंकि मैंने पहले ही शब्दों में कहा कि आपका परिचय बहुत बड़ा है। नहीं नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब छोटा है। मैं काफी दिन से इस ग्रुप को देख तो रहा हूँ, उस ग्रुप में हूँ, उस ग्रुप में भी बहुत सारे, कैसे मैं उस ग्रुप में आया मुझे ये पता नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मैं उसमें जो राष्ट्रीय मंच में मैंने लोग जुड़े थे वो लगभग लोग उसमें सब ट्रांसफर है। अच्छा, ठीक है। पर मैं जो भी गुप्त ग्रुप में जो कोई मुझे जोड़ता है तो मैं लेफ्ट नहीं करता, चाहे उसमें अच्छी बात हो रही हो चाहे उसमें गलत बात हो रही हो। तो बातें तो जो भी होती हैं उनका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विषय तो होता है ना। तो उन विषयों को कहीं ना कहीं हमें समझने का मौका मिलता है, पढ़ने का मौका मिलता है, तो इसलिए मैं उन ग्रुपों को लेफ्ट तो नहीं करता। मैं कई मुस्लिम ग्रुपों में भी हूँ, दूसरे में भी हूँ, उनके साथ भी हमारा किसी प्रकार का कोई गलत व्यवहार नहीं रहता है। उत्तर विधानसभा में 2013 में श्री आर्यवीक जी का जब उनको टिकट मिली थी तो मैं उनका चुनाव संचालक भी रहा, है ना। अच्छा। हाँ, उत्तर विधानसभा मैंने उनको चुनाव भी किया था। तो कुछ हमारे हिंदू संगठन ये समझने को तैयार नहीं हुए, जिसके कारण से जो है वो चुनाव हार गए, और बहुत बहुत छोटे अल्पमतों से वो हारे, 4,500 वोटों से वो निकल गए, जबकि वो व्यक्ति का विचार ऐसा नहीं था, ये मैं बहुत निजी तौर पर उनको जानता हूँ। ठीक है, उसके बाद वो रहे नहीं, खत्म हो गए। उनका परिवार इसमें आपके साथ जुड़े हुए कई उमागा, ये जितने भी लोग हैं सभी लोग मेरे साथ निजी रहे हैं। अच्छा। और आज भी निजी तौर पे हैं, है ना। मुस्लिम गणमान्य भी मेरे साथ में निजी तौर पे। अच्छा। संगठन में जब उस समय पे हम इस तरह का हुआ, भोपाल आया, तो भोपाल आने के बाद फिर मैं शाखाओं में जाता रहा, संघ के लिए थोड़ा बहुत कार्य करता रहा। विद्या भारती मेरे को कंस्ट्रक्शन का दिया गया था, मैं विद्या भारती का कंस्ट्रक्शन भी, संघ के कंस्ट्रक्शन मैंने किए हैं। okay. कई बिल्डरों के साथ भोपाल में मैंने कार्य किया है, और अब मैं स्वतंत्र तौर पे अपना काम करता हूँ। ग्रेट, है ना। घरों का निर्माण करता हूँ, डिजाइनिंग करता हूँ, मैं स्टील का पूरा डिजाइन कर लेता हूँ, तो ग्रेट, उन सब चीजों से मेरा घर चलता है, मैं कहीं सरकारी नौकरी में नहीं। ग्रेट, ठीक है। इन्हीं चीजों से अपनी आजीविका मैं चला रहा हूँ। सामाजिक संगठन जितने हैं उन संगठनों में कहीं ना कहीं किसी किसी तौर पे देखते हैं कि भारत के बहुत सारे अभियान सुने हैं क्या? एग्रो मॉडल? मैंने सर, नहीं सर, मैंने क्राइम के तो खैर हम देखते हैं, लेकिन पर क्राइम के मेरे ख्याल से मैं अभी तक ऐसे किसी ग्रुप में अन्यत्र में नहीं हूँ, आप ही प्रथम है, तो कहीं ना कहीं आपके मार्गदर्शन में हमको ये सब कार्य करने को मौका भी मिलेगा और आपको सुनने का भी मौका मिलेगा। मैं ऐसा समय चाहता हूँ कि आपके पास में आऊं और आपको सुनूं। मैं अभी फिलहाल आपसे ऐसा कोई भी, जैसा आपने कहा कि यार वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मैं इनसे बोलूं, मैं अभी कोई बात नहीं कर सकता, पर ये है कि हाँ, जरूर आपको सुनने के बाद में निश्चित कहीं ना कहीं मजबूर करना है कि वो देश हित की बातें करे, सत्ता हित की बातें ना करे। सत्ता हित महत्वपूर्ण नहीं है, देश हित महत्वपूर्ण है। और चूंकि अब आप इसे और ज्यादा, मेरी बताऊ, गलतियां तो बहुत सारी नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं, वो अच्छे इंसान है, उन्हें उन गलतियों से बाहर निकलना। जी सर। सर मेरा आपसे एक निवेदन और रहेगा कि आपका समय मुझे मिले, आप कभी भी आ जाइए, आप जब आना चाहते बताइए, मैं आपको जो है ना अपने घर की लोकेशन दे दूंगा, आप आ जाइए। क्या ना, लोकेशन मैंने देख ली है, मैं समझ गया हूँ चौराहे पे, वो तो मैंने, क्योंकि देखो मैं लोकली हूँ ना, आज मेरे को यहाँ 20-22 साल हो गया है, मैं पूरा तरह से लोकल हूँ। आपने जैसी दानिश चौराहा बोल दिया, दानिश को मैंने ये मान के चलिए अनुपम हॉस्पिटल से दानिश स्क्वायर पे आते ही राइट हैंड में मुड़ूंगा तो आपका घर मिल जाएगा मुझे। करेक्ट, ऐसा करेक्ट, मुझे ध्यान है। फर्स्ट हाउस जो है ना, टाल फॉर्म 3 है। मेरे ख्याल से जो है दानिश चौराहे से राइट मुड़ने पे चौथा या पांचवा घर होगा आपका। नहीं नहीं, वो बेसिकली पहला ही घर कहा जाएगा, क्योंकि बाकी से किसी का मुंह इस तरफ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ईस्ट फेसिंग में घर है, फर्स्ट हाउस हैविंग द फेस ऑन दिस साइड। ओके सर, मैंने देखा होगा फिर, बिल्कुल देखा है। तो आपका सानिध्य मिलेगा, और सानिध्य मिलने के बाद मेरे जैसे देखिए हमारे यहाँ अधिकारी कार्य कर रहे हैं, मैं उनसे भी आपको संपर्क में लाऊंगा। जल्दबाजी करने की जरूरत है जी, क्योंकि मेरा डर ये है कि आज जो है 42% लोग क्रिमिनल्स हैं अपने पार्लियामेंटियर जी, और ये संख्या 50 से बहुत ज्यादा क्रॉस होने वाली है 2024 को जी। किसी भी पार्टी का कोई धर्म नहीं है, हर कोई अपनी सत्ता का बनाना चाहता है, और सत्ता बनाने के लिए किसी भी चोट चकार किसी को भी लेने में कोई किसी को परहेज है नहीं। ये बहुत कड़वा सत्य है जो कि शायद हम में से कोई समझने के लिए तैयार ना हो जी। लेकिन ये ग्राउंड की हकीकत यही है।
और सबका धर्म एक ही धर्म है कि सत्ता में कैसे काबिज हो जाए। बिल्कुल सही। अब देश हित का कौन ध्यान रखेगा? अब ये बताइए, बड़े बड़े जो है ना वो लेके 1,78,000 करोड़ जो है ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नाम पे जो पैसा माफ कर दिया गया जी, ये क्या देशद्रोह का मामला नहीं? निश्चित है सर। तो फिर बिल्कुल है, क्योंकि तो देशद्रोही जो है सत्ता पे काबिज है कि नहीं? बिल्कुल है। जिन लोगों को पैसा दिया गया वो सरकार का पैसा थोड़ी है भाई, पब्लिक कंट्रीब्यूशन है, पब्लिक से गया हुआ टैक्स के रूप में गया हुआ पैसा। तो आपने बताइए, आपने जो है जब जनधन योजनाएं का सब सब अकाउंट खोल दिए थे तो ये एक्सचेंज की पॉलिसी क्यों लेके आया? आप 2-10 अकाउंट जो नहीं खुले होते उनको खुलवा देते, सभी को डेबिट कार्ड बांट देते। सर सर, आप जैसे लोगों का मार्गदर्शन जब हमें मिलेगा और हमारे भटके हुए अधिकारियों को भी आपका मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वहां पे कहीं ना कहीं संवाद भी होगा। और देखो, इस तंत्र से और इस सरकार से जो कि काले अंग्रेजों को रिप्रेजेंट कर रही है कोई ज्यादा भला होने वाला है जी। एम आई इज इट मेकिंग सम सेंस टू यू? बिल्कुल सही सर। तो अपन लोगों को बैठ के बात करना चाहिए, लंबी बात करना चाहिए और रिकॉर्डेड बात करना चाहिए और उसको एनर्जी मान के प्रसारित करना चाहिए, क्योंकि ऐसी घुटन भरी जो है सोच ढेर सारे लोगों की है, उन्हें जो उनका जो इंटरफेस होता है वो पॉलिटिकली करेक्ट लोगों से होता है, उन दुष्ट लोगों से होता है जिन्होंने हमेशा अपना लाभ देखा है। देश तो उनकी प्राथमिकता में है ही नहीं, देश तो उनका जो ना उसी दिन प्राथमिकता में खत्म हो गया जिस दिन वो यूपीएससी में इंटरव्यू देके आए थे। आज तो ये वो क्रिमिनल्स के पार्टनर बन गए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब ये अपने पिताजी से आप बात करिए, वो हमारी बात से सहमत होंगे आप? नहीं, मेरे आपके पिताजी जरूर उस बात को समझेंगे जो मैं कहना चाहता हूं। वो समझते हैं, पर मेरे पिताजी अब नहीं रहे, फादर 2013 में जो है पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। पिताजी अब नहीं है, तो खैर उनका जो है उनके कार्य और उनके उन चीजों से हम प्रेरणा हमेशा हमको मिलती है, इसलिए हम कभी गलत कार्यों में रहे नहीं है ना कहीं। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, और कि देखो हम सब लोग कहीं ना कहीं दोषी हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो 200% दोषी है। सर पुलिस डिपार्ट को संबंध रखने वाले व्यक्ति के पास में एक प्रगाढ़ अनुभव होता है, इस बात को मैं इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि पिताजी के साथ काफी जो है मेरा संवाद होता था। और मैं समझ हमारे साथ क्या है कि मैं करेला और मेरे पास बिल्कुल पुलिस मैंने जो है जब मैं नौकरी में था एक क्राइम फ्री भारत मैंने का फॉर्म किया था 2017 में जी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉग्नाइज नेशनल पुलिस मिशन है जिसका मैं ऑफिशियली प्रोजेक्ट लीडर हूँ, और जो कह रहा है कि बिना आने जाए आती है एफआईआर दर्ज हो ऐसी व्यवस्था हो, यदि सरकार जो है आपकी केस रजिस्टर ना करे तो ऐसी सरकार 356 में फेलोर ऑफ कंस्टिट्यूशनल मशीनरी के तहत उसे गिरना ही चाहिए। सरकार जो है यदि संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन नहीं करती है तो उसे गिरना ही चाहिए। यदि हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें ऐसी सरकार बनाना चाहिए, और हमारा तो ये और बहुत जोर से मानना है कि जहां पे हर कोई बिकाऊ है वहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही होना चाहिए, क्योंकि जो आपका जो भी जिस पर भी आप विश्वास करते हैं जो देश की लाभों संभालता है कम से कम उसे अपने सर्वाइवल के लिए क्रिमिनल्स की जरूरत तो नहीं पड़ना चाहिए। तो इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी छोटे मोटे दोष इंग्लैंड उंग्लैंड के लिए ठीक हो सकती है, नॉट फॉर इंडिया। मैं सर आज ही कोशिश करता हूँ कि आपसे भेंट हो मेरी। मैं जरूर जरूर घर पे हूँ करेंगे, और मैं जो भी बात करेंगे वो कैमरे पे बात करता हूँ, मैं फॉर्मल किसी से बात नहीं करता जी। मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं ऑफ रिकॉर्ड किसी से बात नहीं करूंगा, मेरे पास किसी के साथ गप मारने के लिए कोई समय नहीं है, जिसको ऑफ रिकॉर्ड बात करना है वो मुझसे बात न करे तो बेहतर है। नहीं नहीं वैसा विषय नहीं है सर, मेरे को तो आपका देखो मैं अपने उसमें वो नहीं करता हूँ ना, मैं तो बहुत स्पष्ट वार्ता को इसमें वो रखता हूँ, और मेरा ये मानना है कि देखो यार मालूम नहीं कब मर जाएंगे यार, उसके पहले
ईश्वर ने जो काम सौंपा है उसे करेंगे कि नहीं करेंगे भगवान मालूम है। सर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात है ये। आप अगर आप जैसे अधिकारी और आप जैसे लोग आज इस विषय पे आप ही लोग कर पाएंगे ये बात भी सत्य है। देखिए हम लोग नौकरी में रहते बहुत कुछ कर पाते, वो तो नहीं कर पाए। नहीं नौकरी में रह के बेशक नहीं, आज भी अगर आपने ये कार्य करने का आपने अपने मन में संकल्प लिया और आप काम पे निकल गए हैं तो ये बहुत बड़ी बात है ना। और आपके पास प्रगाढ़ अनुभव है सर, हम इन सब चीजों से अनभिज्ञ हैं, हम हमारे पास अनुभवहीनता है अभी। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि हम ज्ञान नहीं बांटेंगे, हम इस देश को समृद्धशाली बनाएंगे। ये आंदोलन को आज कोई देने के लिए तैयार नहीं है। मैथिली शरण गुप्त स्लोगन दे रहे कि वी विल चेंज द फेस एंड फेट ऑफ आवर कंट्री, वी विल टेक आवर इकोनॉमी फ्रॉम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी टू 15 ट्रिलियन इकोनॉमी इन नेक्स्ट 2-3 इयर्स। और ये कब जाके जो है 100 ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगी इसका भी कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि हमारी जो जमीन है जिसको हमने विषाक्त बना दिया है, जिससे हम कैंसर पैदा कर रहे हैं, जिससे हम ऑटोनॉमस डिसीजेज पैदा कर रहे हैं, ये 2-3 साल में विलोपित हो जाएंगी सर। हम पुनः जो है हमारी जमीनों से सोना पैदा होगा, हमारे से जो खाद्यान्न पैदा होगा, हमारे से जो फल पौधे और जो भी चीजें होंगी वो सभी अमृत तुल्य होंगी और सोने के भाव में बिकेगी, और जिसको अमृत नहीं खरीदना है वो बाढ़ में जाए। बिल्कुल सही है। मतलब मैंने आपको सीधा फोन करने का साहस, आपकी बात सुन के सीधा फोन करने का साहस किया सर। संकोच, और मैंने आपको ये भी बोल दिया कि नहीं सर मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, और मेरी कोशिश रहेगी, कोई ऐसी बात नहीं। मैं 1 घंटा पहले आप जो है जब भी आना चाहे आप मुझे रिंग कर दीजिए, मैं आपको, मैं 1 घंटा पहले आपको रिंग करूंगा सर। मैं बस 10 मिनट आपसे लूंगा, एक बाई फेस मेरी आपसे भेंट हो जाएगी, आपका दर्शन लाभ मुझे मिलेगा, आगे के लिए जैसा आपका मार्गदर्शन होगा उस तरह से हम कार्य करेंगे। जरूर जरूर जरूर। चलिए जय हिंद जी, जय भारत। प्रणाम करते हैं सर, प्रणाम करते हैं, जय श्री जी।